कश्मीर के अंदर परिवर्तन लाने वाला युगांतकारी निर्णय इस देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। जवाहरलाल नेहरू सरकार की एक भूल थी, धारा 370 5 अगस्त 2019 और 6 अगस्त को इस महान सदन ने धारा 370 को समाप्त। इसके साथ ही कश्मीर के अंदर से दो झंडे चले गए, दो संविधान खत्म हो गए और संपूर्ण रूप से कश्मीर का भारत के साथ जुड़ाव करने का काम इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। माननीय इन्होंने, मैं अभी भी एक इनके ही प्रेरित एनजीओ की एक मीटिंग अभी हुई, रिपोर्ट मैंने देखी। क्या रिपोर्ट कहती है? हुर्रियत से चर्चा करो, जमीयत से चर्चा करो, पाकिस्तान से चर्चा करो। हम ना हुर्रियत से चर्चा करेंगे, ना जमीयत से करेंगे, ना पाकिस्तान से चर्चा करेंगे। अगर मान्यवर अगर हम चर्चा करेंगे तो घाटी के युवाओं से चर्चा करेंगे, वो हमारे अपने हैं, हम उनके साथ चर्चा। मान्यवर, हुर्रियत पर हमने पाबंदी कर दी, जमायत इस्लामी पर कश्मीर में पाबंदी कर दी, आतंकवादियों के समर्थन को चुन चुन कर नौकरियों से हटाया। अब किसी भी आतंकवादी की मृत्यु का जनाजा नहीं निकलता है, क्योंकि जो जहां मारा जाता है वही दफन किया जाता है। मान्यवर, लखनपुर टोल टैक्स जो हम जैसे कार्यकर्ताओं को, भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं को सूल की तरह हृदय में चुभता था, वहीं श्यामा प्रसाद मुखर्जी को जहां अरेस्ट किया था, वो लखनपुर टोल टैक्स को समाप्त कर दिया। मान्यवर, राज्य की अर्थव्यवस्था को एकीकृत किया, दो दरबार की परंपरा समाप्त कर दी गई और 200 करोड़ रुपए को बचाने का काम इन नरेंद्र मोदी सरकार ने। मान्यवर, वहां दलितों को रिजर्वेशन नहीं था, आदिवासियों को नहीं था, पिछड़ों को नहीं था, ये सारा रिजर्वेशन देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार। मान्यवर, वहां पर महिला आयोग नहीं था, बाल आयोग नहीं था, वहां पर दलित आयोग भी नहीं था, ये सारे आयोग बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार। वहां सफाई कर्मचारी मान्यवर सात पीढ़ी से मुगलों को जमाने से रहते थे, मगर उनको डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं मिलता था। पाकिस्तान से शरण में आए हुए, पाक अधिकृत कश्मीर से आए हुए हिंदू, उनको डोमिसाइल, पश्चिम पाकिस्तान से आए हुए लोग डोमिसाइल नहीं मिलता था। ये सबको डोमिसाइल देने का काम इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मान्यवर, ये कर रहे हैं कि हम डेमोक्रेटिक पार्टी, डेमोक्रेटिक वैल्यूज में मानते हैं। कश्मीर पर शासन किसने किया? किसने किया? तीन परिवारों ने किया, महबूबा मुफ्ती, फारूक साहब और गांधी परिवार। ये तीन परिवारों ने कुल शासन किया, मगर पंचायत चुनाव नहीं कराए। नरेंद्र मोदी जी ने नवंबर दिसंबर 2018 में, राजनाथ सिंह गृह मंत्री थे, 9 चरणों में पंचायती चुनाव को समाप्त। 4,483 सरपंच निर्वाचित हुए और 35,000 पंच चुने गए। आज 40,000 लोग डेमोक्रेसी की सांस भर रहे हैं, जमहूरियत का फायदा उठा रहे हैं।